अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, कैसे हो? आई होप कि जो आजकल रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ मैं अबाउट मार्केट अपडेट और थोड़ा सा एनालिसिस भी करता हूँ, ताकि ना आपको उस जब कोई बंदा आपके सामने एनालिसिस करता है ना, आप उन एनालिसिस को देखते हो बार 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 बार, डिफरेंट मैं हर रोज़ नया एनालिसिस कर रहा हूँ। मतलब वो एक तो रेंज बताई थी मैंने आपको कि लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करो, उसके अलावा जो सारी सिनेरियोज हैं ना, यार ये तो ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो सब मैं हर रोज़ चेंज कर रहा हूँ, वैरायटी डालने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसकी वजह यह है ताकि उन चीज़ों को ना आप देखो कि अच्छा यार इस तरह काम करती हैं चीज़। ठीक है, करना शुरू कर दो आहिस्ता आहिस्ता, भाई टूटा फूटा शुरू कर दो, ठीक है, पर शुरू करो। और साथ साथ पता क्या करो, प्लेलिस्ट है मेरी एक टेक्निकल एनालिसिस के नाम से, उधर 8 से 9 वीडियोज़ पड़ी हैं टीए की, वो भी देखो। ये जो मैं अपलोड कर रहा हूँ रोज़ ना, इसको भी थोड़ा गौर से देखा करो कि यार ये किस चीज़ पे क्या बात बोली है। और एक ये कि मुझे तो किसी ने नहीं बोला, ना कमेंट्स में बोला, ना प्राइवेट चैट में बोला है, पर मैंने गॉसिप सुनी है। और वो गॉसिप्स ये हैं कि अहमद भाई लॉन्ग वीडियो इसलिए डाल रहे हैं कि पैसे ज़्यादा बने मोनेटाइजेशन के। तो भाई क्या बात कर रहे हो, मोनेटाइजेशन की वीडियो 10, मोनेटाइजेशन की अगर 10 वीडियोज़ हो ना 30 30 मिनट की, और वो एक एक 1.5 हज़ार लोग देखते रहे, ठीक है, तो उससे इतने पैसे भी नहीं बनेंगे जितनी मैं एक लॉन्ग लगाने की फ़ी देता हूँ बायनांस। तो ये सोचें, छोड़ दो। अगर किसी के दिमाग में, तो मुझे बहुत प्राउड हूँ मैं कि बहुत अच्छी कम्युनिटी है हमारी शो गैंग की, बहुत सपोर्टिव है ये हमारा सबका, मेरा मिराज भाई का, उमेर भाई का ड्रीम होता था कि यार एक बहुत फ्रेंडली जो है ना हो। जब मैं आया था नया नया, तभी मुझे उन्होंने कहा था कि यार आपने ना इसको फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाना है, सब एक दूसरे की इज्जत करें। अच्छा, तो ये चीज़ है। अच्छा, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में दो चीज़ें कवर होंगी, ठीक है, एक लॉन्ग लिमिट्स लगवाऊंगा मैं, लॉन्ग लिमिट्स लिमिट लगाऊंगा स्पॉट वालों के लिए, फ्यूचर वाले देख लें, फ्यूचर वालों के लिए रिस्क हो सकता है, ठीक है, वो अपने उससे रिस्क मैनेजमेंट कर ले। मैं अगला 1 डेढ़ महीना ना फ्यूचर को थोड़ा सा बाय बाय कहूँगा, कि फ्यूचर से ज़्यादा मैं आपको ऐसे कमा के दिखाऊंगा स्पॉट के, स्पॉट में से, ठीक है, जो मतलब अगला 1 डेढ़ महीना है दिसंबर एंड तक, ठीक है। तो अच्छा, स्ट्रेटजी जो हमने अप्लाई करनी है ना, वो ये हमने अप्लाई करनी है कि हमने हर कॉइन की 3 लिमिट्स लगानी है, ठीक है। फर्स्ट लिमिट होगी जिसके अंदर हमने 40% इन्वेस्ट करना है, सेकेंड लिमिट होगी जिसके अंदर 30% इन्वेस्ट करना है, और फिर हमारी चौथी एक लिमिट होगी जिसमें हमने तीसरी एक लिमिट होगी जिसमें हमने 30%, मतलब एक पहली लिमिट में 40, दूसरे में 30, तीसरे में 30, ठीक है, तो 40 30 30 लिमिट, मतलब 3 लिमिट्स हम लगाएंगे। उससे होगा क्या कि हम कोई भी चीज़ मिस नहीं करेंगे। अभी पूरी मार्केट जो है ना सपोर्ट पे बैठी हुई है, किसी भी वक्त इधर से फ्लक्चुएशन हो सकती है, इधर से मार्केट उठ सकती है, ठीक है, तो हम नहीं चाहते कि कोई भी सिनेरियो हो ना, बेशक इधर से मार्केट उठ जाए, बेशक 52 53 के आसपास आके उठे, हम नहीं चाहते कि हम कोई भी चांस मिस करें। मार्केट अपडेट एंड पे दूंगा, वो भी देख लेना कि BTC की नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है, ठीक है। अच्छी, आज मैं कोई आज नया लाया हूँ, आज नई चीज़ लाया हूँ। अच्छा, तो मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है यार, TA कर रहे हैं, ठीक है, पर कुछ भी हो सकता है, एक पंप आ सकता है, बाउंस बैक आ सकता है, थोड़ा सा इसके अंदर क्या कहते हैं वॉल्यूम आया और ये उड़ जाएगा। तो उस लिए हम, हमारे पास सिर्फ अब ये ऑप्शन है कि हम अभी 40% इन्वेस्ट करें, फिर ना आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्ट करें, DCA करें। और ये मैं लिमिट्स दे रहा हूँ, ठीक है, मुझे अब ये कहता कोई नज़र ना आए कि हमने बेट लिया था 0.135 पे या 6 पे और वो 0.1 पे आ गया, ये कहता मुझे कोई नज़र ना आए ग्रुप के अंदर, क्योंकि तो मैं लिमिट्स दे रहा हूँ, 3 लिमिट्स दे रहा हूँ। 3 लिमिट्स ये होगा कि आपने 0.13 पे 135 पे बेट उठाया ना, तो आप तीनों लिमिट्स हिट करने के बाद आपकी एवरेज 0.11 की निकलेगी, 0.118 की, क्योंकि बहुत अच्छी एवरेज है स्पॉट के लिए, तो बहुत अच्छी एवरेज है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। पहले ये मेरे ख्याल से ना ये थोड़ा सा गलत हो गया, थर्टी परसेंट, ठीक है। पहला है वेट का, वेट के आपने 3 लिमिट्स लगानी है, 0.135 पे 40% इन्वेस्ट करना है, ठीक है, या अभी करंट पे भी कर लो, मतलब ये इतना मैटर नहीं करता कि आपने उसी वक्त लगाना है,
हो सकता है वीडियो जब तक आए तो ये 0.138 पे चला गया हो, लगा लो खैर है यार, इतना इतना चलता है, इतना चलता है, इतने बड़े पम हमने आगे देखने, इतना तो चलता है। पम नहीं मिस करना हमने, 0.003 ऊपर चला जाए तो खैर है, ले लो। लिमिट वन जो है ना सारे कॉइन्स के बस ले लो, थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे भी है ले लो खैर है। लिमिट टू 0.117 पे लगानी है, 30% इन्वेस्ट करना है। 0.102 पे 30% इन्वेस्ट करना है। जो लिमिट टू और लिमिट थ्री है ना उसका आपने जो है ना लिमिट लगा के रखनी है। इसको लिमिट लगानी नहीं आती तो यार ग्रुप वालों समझा देना अगर कोई पूछे ग्रुप में, वरना मेरी एक वीडियो भी पड़ी है स्टॉप लॉस वर्सेस ओसीओ वाली, क्रिप्टो कोर्स बिगनर के प्लेलिस्ट के अंदर पड़ी है, मेरे ख्याल से दूसरी वीडियो थी, उसके अंदर बताया आप लिमिट लगा के छोड़ दो। पहले आप डिसाइड करो, देखो आपके पास $30 है, ठीक है, आपने डिसाइड करना है कि यार $30 है तो उसको मैं तीन हिस्से में कर लो, तीन हिस्सों में नहीं करना, मतलब आप तीन हिस्सों में कर सकते हो ना $30 को, ज़्यादा होते तो आप कर सकते हो यार 30% को तो आप तीन हिस्सों में कर सकते हो, तीन हिस्सों में कर लो। $50 है तो उसको आप 40% करो, मतलब $20 इन्वेस्ट करो, फिर $15 इन्वेस्ट करो, फिर $15 इन्वेस्ट करो, और जो $15 की ना उसकी लिमिट लगा के रखो। तो ये बेट का है, और इस बेट का जो टारगेट होगा ना मेरा इंशाल्लाह दिसंबर के एंड तक या जनवरी के पहले वीक, वो मेरा ये होगा 0.29-0.3 के आसपास, ठीक है, ये मेरा टारगेट होगा। 0.29-0.3 के आसपास पहला टारगेट होगा जो कि मेरे ख्याल से 170% गेन दे रहा है, और दूसरा टारगेट होगा मेरा 0.4 के पास, ये 0.4 के पास होगा जो कि हमें 3.5x दे देगा प्रॉफिट, ठीक है, मतलब 3.5x काफ़ी एक बहुत अच्छा प्रॉफिट है, ठीक है। TP1 आपको बता दिया, TP1 0.3 जो कि 160-170 मतलब वो भी 1.5x दे रहा है, और जो 0.4 जो कि TP2 है वो भी वो 3.5x दे रहा है, ठीक है। दूसरे कॉइन की बात करते हैं लिंक, लिंक की भी तीन लिमिट्स लगानी है 27.63 से 28 के दरमियान में, जो मतलब मैं बताया ना कि इस आसपास जो प्राइस मिल रही है ना लिमिट वन की आसपास पर लगा के छोड़ दो, और लिमिट टू और लिमिट थ्री में लिमिट्स लगा के छोड़ दो, और जिस तरह बताया उस तरह लोग, अगर कोई बंदा वो कह रहा है मेरे पास है ही $40 मैं क्या करूँ, तो भाई या तो आप फॉलो ना करो, कोई चीज़ फॉलो ना करो, कोई मतलब लिमिट फॉलो ना करो, अगर करनी है तो फिर आपको ये तो सैक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे कि आपको एक कॉइन चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अजीब बात है, पर मतलब फॉलो इसी तरह करना है, अपनी कोई साइंस नहीं लड़ानी इसके अंदर। तीन लिमिट्स हैं 27.63 से 28 तक, लिमिट टू है 25.4, लिमिट थ्री है 23.6। अच्छा इन सब के ऊपर TA पूरा हुआ हुआ है, ये बस मैंने लिख के छोड़ दिया, मैंने कहा यार इतना टाइम नहीं होगा वीडियो के अंदर के मैं पूरा TA भी करके दिखाऊँ इसका, इसका TA हर जो है ना टाइम फ्रेम भी किया है, 1 week 1 day 4 hour, और फिर जाके ये जो है टारगेट्स निकालने, इसके जो टारगेट है जो लिंक के टारगेट्स हैं वो मेरे दो होंगे, एक 47% एक $47 पे, एक मैं बेचूंगा तकरीबन इस जगह पे 88% प्रॉफिट, अराउंड 1x हो जाएगा, और दूसरा मेरा टारगेट होगा 68 जो कि 1.6x हो जाएगा। तो ये दूसरा कॉइन है लिंक। तीसरा कॉइन है आक्रो, ये आक्रो बड़ा नज़दीक है यार, बड़ा करीब है मेरे, और ये मैंने होल्ड करके रखा हुआ है, इंशाल्लाह इसको होल्ड ही रखूँगा। इसकी भी तीन लिमिट्स है, बता रहा हूँ बार बार कि लिमिट वन जो मिल रही है वह लगा दो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती है फ्लक्चुएशन फेयर है। लिमिट वन 0.03 से 0.032, लिमिट टू 0.0275, लिमिट थ्री 0.025, एवरेज प्राइस इसकी निकल जाएगी फिर 0.0276, मतलब तीनों लिमिट्स हिट हो जाती हैं ना तो आपकी एवरेज प्राइस ये आएगी, आपकी बाइंग प्राइस ये हो जाएगी 0.0276। ठीक है, TSG आपको बता दिया कि पूरा किया हुआ यार, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई हवाई चीज़ें हो रही हैं। और इसका जो TP होगा वो होगा 0.082, ठीक है, जो कि 3x प्रॉफिट दे देगा हमें इंशाल्लाह दिसंबर लास्ट वीक या जनवरी फर्स्ट वीक में, ये सब कुछ सारे प्रॉफिट 2x 3x पूरे हो जाएंगे, और कोशिश करो फ्यूचर सब दूर हो जाओ। ठीक है, अब हमारा काम, हमारा वो टाइम है कि जब हम स्पॉट से 2-3 गुना प्रॉफिट कर सकते हैं, जब हम कर सकते हैं तो फ्यूचर में क्यों जाना है, हो सकता है मैं भी फ्यूचर
कुछ सिग्नल दूँ प्रीमियम में, इंशाल्लाह दिसंबर में दूंगा, ठीक है। और बस उसके अलावा नहीं, मतलब प्रीमियम में सिग्नल दूंगा उसके, और ज़्यादा नहीं दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा, कम दूंगा, मतलब एक हफ्ते में 3 दूंगा। पर मैं जो ये 2x 3x कॉइन है ये ज़्यादा दूंगा प्रीमियम में। फिर और फिर लाइव टीए वगैरह तो उधर ही होगा। अभी आजकल मैं सिर्फ इसलिए इधर आ रहा हूँ, यूट्यूब पे वीडियो चल रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यार सब जो है ना परेशान है, या परेशान हो गए हैं तो प्रीमियम क्या और सिंपल क्या, हमने तो मदद करनी है ना, हम तो मदद करने आए हैं, मदद करने के लिए कोई बना है, तो जब परेशानी होगी तो भाई सबके साथ खड़े। उसके बाद ये तीसरा कॉइन हो गया, स्क्रीनशॉट लेते रहो यार, ये आकरो की स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, लिंक की स्क्रीनशॉट ले लो, बैट की स्क्रीनशॉट ले लो, और ये मैं चढ़ा भी दूंगा रात तक ना, मैं ग्रुप में भी बता दूंगा क्या ये लिमिट्स दी हुई है। फिर हम आते हैं ONT की तरफ। ONT की 3 लिमिट्स हैं, और मुझे बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है लिमिट्स के, ये आपके सामने 3 लिमिट्स हैं। इसकी एवरेज प्राइस इंशाल्लाह 0.284 आएगी, और इसका जो TP है वो मेरा 2.6 है, जो कि 3x बन रही है। बहुत ईजी जो टारगेट्स मैंने दिए हुए हैं, बहुत ईजी टारगेट्स हैं जो कि हिट होंगे। मैं कोई इस तरह के भी टारगेट दे सकता था, $3, $4, $5 के भी, पर ये वो टारगेट वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक हैं जो कि हो सकते हैं ये हिट हो जाए। और ये जो वेट है, वेट का मैंने 0.42 दिया है, मैं 0.4 दिया है, ये 0.8 तक भी जा सकता है वेट, इसके अंदर इतना पोटेंशियल है, पर मैं 0.4 दे रहा हूँ कि ठीक है, 3.5x इज़ नॉट बैड, नॉट बैड क्या भाई, सब कुछ है। ये SC है, SC की आपने 3 लिमिट्स लगानी है, ये थोड़ा सा ऊपर है, लिमिट वाला भी ना लगाना है, इसके थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा इसको नीचे आने देना, 1.9 की लाइन में आने देना इसको, ये 1.92, 1.93, 1.94 में लिमिट वन लगा देना, और लिमिट टू और लिमिट थ्री बाद में लिमिट लगा के छोड़ देना। एवरेज प्राइस की इंशाल्लाह 0.0164 निकलेगी, और इसका टारगेट जब ये मैंने टारगेट्स निकाले हुए ना, ये मैंने एवरेज प्राइस से इसको ऊपर किया हुआ है, तो ये हमारे पास इंशाल्लाह 3.5x दे देगा, ठीक है। ये 5 कॉइन्स हैं जो कि मैं बताना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि यार ये 5 कॉइन्स आप उठाओ, ठीक है, जिनकी जिनका तकरीबन 300 $400 का पोर्टफोलियो, वो सारे उठाओ, ठीक है। अब बात करते हैं उनकी, यार जो 2 कॉइन, मतलब उनका जो पोर्टफोलियो है वो $60 का है, 50 to $60 का है। वो ज़्यादा ज़्यादा ये कर सकते हैं कि 10 10 10 10 डॉलर 3 बार लगाएं, फिर 10 10 10 डॉलर 3 बार लगाएं, मतलब 6 बार 10 10 डॉलर लगा सकते हैं, तो उनको 2 कॉइन बताने। तो 2 कॉइन जो मैं सजेस्ट करूँगा कि ठीक है आप ये उठा लो, तो वो एक SC है और एक वेट है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी जिनके पास पास, पास ज़्यादा पैसा है वो भी सारा इसमें लगा दो, ये ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट कर दो, ये बस ठीक है, मतलब सब बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हैं, सब बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हैं, पर मुझे लगता है कि ये बेहतर होंगे इनके लिए, एक SC और एक वेट, ये 2 ऐसे कॉइन हैं जो कि उनके लिए जिनकी पोर्टफोलियो 50 60 डॉलर्स का है सिर्फ, ठीक है। ये हमारी लागी लिमिट्स लॉन्ग। अब बात करते हैं हम मार्केट की अपडेट की। मैंने पहले ही बोला था यार, वीडियो में कोशिश पूरी करूंगा आपके सामने, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिनको 13 मिनट की फिर भी सही है, अब ज़्यादा बड़ी नहीं हुई, ये वो चीज़ें यार जिनको घंटों लगते हैं, घंटों घंटों क्या कभी कभी काफ़ी टाइम से ये जहन में होते हैं कि यार ये चीज़ यहाँ से उठवानी है, ये चीज़ यहाँ से उठवानी है, तो काफ़ी टाइम से ये चीज़ें जहन में होती हैं। और अभी भी मतलब मैं 2 बजे यूनिवर्सिटी से आया था, और मैंने तब से खाना नहीं खाया, बैठा हूँ, और 3.5 घंटे हो गए सिर्फ ये तैयारी कर रहा हूँ कि यार इसकी लिमिट इधर नहीं, इधर होनी चाहिए, नहीं यार ये इधर आएगा, हो सकता है कि थोड़ा सा 0.1 0.01 ऊपर से जो है वो बाउंस बैक कर जाए, इस तरह की बहुत बातें थी जो कि जहन में लगी। फिर BTC की TA हुआ हुआ था, मुझे TA करने की बार बार ज़रूरत नहीं है, रोज़ ज़रूरत नहीं है, जो पहला दिन TA था मैं अभी तक उस पर कायम, पर इस बार क्यों कर रहा हूँ बार बार, उसकी वजह ये है कि यार आपको ना बेहतर चीज़ें मिल जाएँ, ठीक है, आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें मिल जाएँ, आपको जो है
बार बार जो है ना नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी यार। अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी है, तो वो इंशाल्लाह आपको कोशिश करूँगा मैं इतना हो सकता है। अभी ये है कि ये आपको याद होगा लेवल ऑर्डर, मतलब ये जो मैंने कहा था लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करो, अभी तक सब कुछ वैसे चल रहा है, जो ग्रीन लाइन है उसके अंदर जो है लेवल बना हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास एक लेवल है, इस लेवल के अंदर जो है वो ट्रेडिंग हो रही है। ये लेवल टूटेगा तो इस रेड लेवल के अंदर ट्रेडिंग होगी। ठीक है, जब ये टूटेगा तो ऊपर ऊपर वाले लेवल के अंदर ट्रेडिंग होगी। तो आपको बोला कि लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करते रहो, जो मैंने आज लिमिट्स लगवाई है ना वो इसी तरह रहनी चाहिए, भावें 58 से गिरे और नीचे चला जाए, आपकी लिमिट्स नहीं हटनी चाहिए। ठीक है, SC का थोड़ा मुझे डर है यार, SC की लिमिट्स आप नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि SC थोड़ा सा मूड में आया हुआ है आज। मेरे ख्याल से जैसे रिजेक्ट हो जाएगा 0.0219 से 8 से रिजेक्ट होके वापस आ जाएगा, तो तब तक आप बाकियों में तो लगाना ना। तो अच्छा, अब बात करते हैं कि BTC का क्या सीखना है। BTC का आपको आपको रेंजेस बताई हुई हैं मैंने कि यार ये रेंजेस हैं, इसके अंदर BTC जब तक है इस लेवल्स के अंदर आप ट्रेडिंग करो। ठीक है, अभी ये बिल्कुल सपोर्ट के पास पास फेर रहा है, ये इसकी सपोर्ट है, जैसे टूटेगा तो इस लेवल के अंदर आएगा, पर जब तक नहीं आ रहा भाई इंजॉय करो, इसी लेवल में इस सपोर्ट पे उठाओ या लॉन्ग करो। जो मैं डे ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, ये लिमिट्स की बात नहीं कर रहा, लिमिट्स लगा के छोड़ देनी है, उसके बाद पैसा बचे गया उससे डे ट्रेडिंग करो, बेशक पावे लॉन्ग करो जो मर्जी करो, पर ये कोई भी कॉइन लॉन्ग करो ना साथ BTC खोल के बैठ जाओ। ये लिमिट, ये ऑर्डर मैंने आपको बताया हुआ है 52,800 से 58,100, 58,100 से 64,500, 800, तो ये रेंजेस हैं, इस रेंजेस में खेलो। ठीक है, कोई भी रेंज टूटती है लॉन्ग अपना बंद कर दो, अगर लॉन्ग खेल रहे हो। वैसे तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं फ्यूचर्स नहीं कर रहा, तब से जब से मैंने ये बोला था ना, जब से ये लाइन टूटी है, या आपको शायद याद नहीं है कौन सी लाइन है, पर जब से ये मैंने पहले भी आपको दिखा चुका हूँ, पर इसका कलर उसका डिफरेंट था, ये लाइन जब से टूटी है ना, ये ट्रेंड लाइन जब से टूटी है, तब से मैंने कोई फ्यूचर नहीं खोली, ना लॉन्ग ना शॉर्ट। सिंपल खेलो यार, सिंपल रखो, ज़्यादा क्रिप्टो में जो है ना, क्रिप्टो को ज़्यादा हार्ड गेम बनाने की ज़रूरत नहीं है कि यार ये हो गया वो हो गया, लॉन्ग करो शॉर्ट करो, स्लोली 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 करते रहो। पिछला पिछला तो ये चल रहा था यार, पिछला ये एक बार पहले भी हमारे पास बुल फ्लैग से जो है वो टूटा था, अभी भी बुल फ्लैग बन रहा है, से टूटा है, इससे होगा क्या, एक बहुत बड़ी ट्रेंड लाइन बन रही है। ठीक है, जो कि हम फॉलो कर रहे हैं 30K, 29K से। ठीक है, वो जो कि ये है। ठीक है, अभी मैं आपको एक पैटर्न समझाता हूँ, ये पैटर्न आपने भी बार बार ट्राई करना है, ज़िंदगी में काफ़ी मौके आएंगे, जब कोई बताने वाला नहीं होगा तो यही वीडियो देख के यही चीज़ें सीख के आपने तब अप्लाई करनी है। ये पैटर्न देखें क्या बन रहा है, पैटर्न ही बन रहा है कि 1, 2, 3, 4, ये जो आपको पता है हमारी सपोर्ट लेवल है, जो कि मैंने मार्क किया हुआ है 52,800 के आसपास। ठीक है, अब हो रहा ये है कि ये हमारे पास फर्स्ट थी, ठीक है, ये हमारे पास एक सेकंड लेवल था, ये हमारे पास फिर थर्ड था, ये हमारे पास फिर फोर्थ लेवल था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अब ये फिफ्थ है। मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि यार इस लेवल पे इसको टच करना ही है, क्योंकि तब से क्या हो रहा है यार, क्या पैटर्न बना हुआ है कि वो बार बार ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करता है, बिटकॉइन बहुत पंप होता है, फिर ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करता है, फिर पंप होता है। अभी देखो, ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया, पंप हुआ, ऊपर एक बुल फ्लैग बना, उसको तोड़ा, उसको ब्रेक डाउन किया, नीचे आया, फिर रिटेस्ट किया, फिर पंप हुआ, फिर बुल फ्लैग बन रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको शायद लग रहा होगा कोई सिमेट्रिकल ट्रायंगल वगैरह, इस तरह का कोई नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा बना हुआ है बस। दोबारा बुल फ्लैग बना, बुल फ्लैग से फिर ब्रेक डाउन हुआ, अब ये दोबारा ट्रेंड लाइन पे आएगा, ट्रेंड लाइन पे आते साथ ही फिर हमें वापस जाने की है ना मिलेगा, कि इधर से हमें ट्रेंड लाइन वो मिलेगा, और उसके बाद जो कि पिछला भी मेरा टारगेट था, मैंने बताया था कि बिटकॉइन का ये टारगेट है, जो मैं देख रहा हूँ कि यार हाँ इधर
दिसंबर, मिड दिसंबर के दूसरा हफ्ता, इसके बीच में जा सकता है। ठीक है, तब तक यही है, 1 2 3 4 5, तो इसी को फॉलो करते रहो, और इसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह हाफिज़।